और इतना ज़्यादा बेर बच्चे ने तोड़ दिया। दोस्तों आज हम जा रहे हैं एक नदी, एक विशाल और फेमस मशहूर नदी, और किस तरीके से ये सीन आ रहा है आप देख सकते हो। एक अंकल जी अपना गाय चराने के लिए लेके जा रहे हैं और वो नदी के उस पार लेके जाएंगे जहाँ पर उनको लगता है बहुत ज़्यादा घास होंगे, खाने के लिए चारा होंगे उनके लिए, और ये गाय अपने आप पार हो जाएंगे। इन्हें बोट की और ब्रिज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हमेशा इस तरीके से पानी से होके गुजर जाते हैं। चाहे पानी ज़्यादा हो कम हो, उनको तैरना आता है, दे आर वेरी गुड स्विमर्स। और ये अंकल जी इस बम्बू से बनाई हुई ब्रिज का सहारा लेते हुए जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और मज़े करते हैं। ये जो चेन देख रहे हो आप, ये आयरन चेन की मदद से इस बोट को बांधा गया था, जो बोट अभी डूब चुका है। और हम यहाँ पर एक भैंस है उस तरफ, और हम इस ब्रिज को अब हम पार करेंगे। यहाँ पर किसी ने पहले आग जलाया है, नहाया है, कपड़े सपड़े यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हो। ब्रिज को पार करके देखते हैं, उस पार में जाके देखते हैं। पकड़ लो, कहीं गिर ना जाओ, तैरना नहीं आता। वैसे पानी ज़्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत ही है। स्पेशल यूनिक प्लांट्स फाउंड इन द माउंटेन, पहाड़ों में पाए जाने वाली प्लांट्स। ये क्या है, केक है क्या, ये क्या है, प्लांट्स है, स्क्रीनशॉट मारो, देखो क्या है, मुझे नहीं पता, अगर पता है तो कमेंट्स में बताओ। ये एक बेर का पेड़ है पहाड़ के ऊपर, और कुछ बच्चे ये कुछ इतना गिरा दिया है, कुछ बच्चे इकट्ठे कर रहे हैं, और देख सकते हो इतना गिरा हुआ है, और इतना स्वीट भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही स्वीट है। पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है, हमने भी कुछ इकट्ठा कर लिया। ये देख सकते हो साइज़ उसका और कलर टेक्सचर कितना पक्का है। कुछ बच्चे ने इकट्ठा किया, इतना ज़्यादा बेर इकट्ठा। सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल नहीं, काला वाला बटन दबाओ और बेल दबाओ।